करें करिए बाबा। रात आना बना हुआ था, तुमने कुछ देखा कुछ सुना? आज हमने राजदरबार में देखा। क्या देखा? और सुना भी। क्या देखा क्या सुना? आज हमने देखा कि राजदरबार लगा हुआ था। हाँ। और महाराज अपने यहाँ कुर्सी पर स्थान पर बैठे रहे। और महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ कौन थे? यहाँ के महामंत्री जिनका नाम भैरव सिंह। और बाई हाथ की तरफ कौन थे? यहाँ के गोपालदास सेना नायक फौजी जिनका नाम सेनापति भंवर सिंह। सब लोग राजदरबार में बैठे थे। अचानक राज महलों से राजमाता का आगमन हुआ। और राजमाता अपने ऊपर आकाश को भरे राजदरबार लाई। महाराज से कहा कि स्वामी जी, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम अपने बच्चे को बाबा कालेश्वर धाम बाबा के दर्शन कराना चाहते। ये बच्चा सब खाली हो। राजमाता ये भी कहा कि स्वामी जी आप भी चलिए, दर्शन भी करेंगे और साथ साथ गरीबों को धन दौलत बांटेंगे। लेकिन महाराज ने कहा कि आज तो मैं प्रजा की तरफ जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ सेना पर भंवर सिंह की ड्यूटी लगा रहा हूँ। हाँ। साथ में सेना पर भंवर सिंह जा रहे हैं। हाँ। मंत्रियों को देखे हो है? यार नहीं देखा यार। जितनी देर महाराज सेना पर के वाहवाही कर रहे हैं, सेना पर तुम राजमाता के साथ चले जाओ। मंत्रिया के नहीं देखो साथ में खुशी बैठे मनवा खुशी को। और जब राजमाता आई ना तो राजमाता का ऐसा सारा भूल भूल चिदवत रहा, ऐसा चिदवत रहा जैसे एक चिदवा बहरी का चिदवत। वही कुर्सी बैठे बैठे सारा खाई खाई मर रहा है। अच्छा खाई खाई खाना हुआ है। खाई खाई खाना हुआ का मान कर रहा है। लेकिन अभी हमारे साथ खड़ा हुए बाबा सब सब क्या कहे हो? लेखा कहे जैसे खड़ा हुए रहा है ना। लेकिन महाबली ये राजदरबार जितना सेना पर इज्जत मान सम्मान है नहीं है उतना हमारा यार मंत्री कहीं इज्जत उज्जत है नहीं। बात नहीं है भाई, हमारा ध्यान दे रहा हूँ। मान लिया एक बात कि मान लिया हमारा सम्मान है, हमारा सामान आज जनता देंगे ही, तुम पकड़ लियो हमारा तुम पकड़ लियो लेकिन वही यहाँ पासा काफी सदा दुखी बात है। लेकिन देखो हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं और हम यहाँ के सिपाही हैं। आज बात नंबर राज से पूछा जाए कि भाई जो मान्य महाराज सेना पर भंवर सिंह मान्य राजमाता के साथ भेज दे तो इसमें भाई तू खुलावे को जरूरत है? यहाँ केवल राजवाड़ी को नहीं है। देखो कई नंबर राज के सामने घोड़ा रहा है, जाओ अपनी ड्यूटी पर जाओ। Thank you.
बंद न उड़ो हराम पानी Okay.
और राजमाता सब जने कार्य जो धाम बाबा के दर्शन करे जाए।